हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास एक VS6 गाड़ी आई है जिसका बोलना है कि विजिट टू रक्सोप लिखा हुआ आ रहा है मीटर बोर्ड में और गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही है। तो चलिए दोस्तों, अपन सबसे पहले लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, हमने इसमें लैपटॉप कनेक्ट कर दिया है गाड़ी के अंदर। और जैसा कि अपने पास जो फॉल्ट कोड देखने को मिल रहे हैं, वो फॉल्ट कोड है 4487, 4489, 3714, 0249 और 1887, 3712, 1241 और 132, ये दो तो इनएक्टिव में है। तो जो दोस्तों आप ये फॉल्ट कोड देख रहे हो, ये 3712 1887 ये आउटलेट नॉक सेंसर का है, और ये जो फॉल्ट कोड है 4487 और 3714 3712, ये दोनों इन दो फॉल्ट कोडों की वजह से आया है, 0249 और 1887। तो सबसे पहले अपन एयर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर सर्किट 0249 फॉल्ट कोड का है, जो ये बम्पर के आगे लगता है, बम्पर के वहाँ लगता है एयर टेम्परेचर सेंसर है। इसमें दो वायर लगे हुए होते हैं दोस्तों। और जो दूसरा है जो आउटलेट नॉक सेंसर सर्किट का बता रहा है। तो चलिए एक बार इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेक करने के लिए अपने को बोल रहा है। तो इंटरनल सर्किट हैज़ बीन डिटेक्ट बाय आफ्टर ट्रीटमेंट आउटलेट नॉक सेंसर। इसमें दोस्तों हो सकता है नॉक सेंसर के अंदर से कोई ख़राबी हो, या उसका हीटर वगैरह ख़राब हो, या फिर नॉक सेंसर ख़राब भी हो सकता है, पार्ट नंबर इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो हो सकता है इस 1887 के अंदर हमारे को अधिकतर नॉक सेंसर ख़राब मिलता है। चलिए दूसरे को खोलते हैं। तो हाई सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर सर्किट, टेम्परेचर सर्किट बता रहा है। तो चलिए दोस्तों अपन एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये ऐसा सेंसर होता है, और भी ये जो वायर है ये जा रहे हैं इश्यू की 43 नंबर पिन पे और 16 नंबर पिन पे। तो अपने को इन दोनों में देखना है कि कितना वोल्टेज करंट आता है। वोल्टेज तो 5 वोल्टेज के समथिंग आता होगा, और अपने को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक बार। हो सकता है वायरिंग कहीं से टूटा फूटा हो, और एक बार नीचे करके अपन चेक करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि लिखा हुआ रहा है ओपन रिटर्न सर्किट द हार्नेस कनेक्टर और सेंसर। जो रिटर्न वायर का है, जो कोई या तो कपलर बैठा हुआ नहीं है या फिर टूटा हुआ है। ओपन सिग्नल सर्किट शॉर्टेड टू वोल्टेज सिक्योर, कहीं टच हो रहा हो या कुछ हो रहा है। तो अपने को दोस्तों इसकी वायरिंग चेक करनी है, क्योंकि वायरिंग हो सकता है कहीं पे जंग आके टूट गया हो, या फिर जंग आ रहा हो, बराबर सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है। तो जो दोस्तों आप ये दो वायर देख रहे हो, सिग्नल और रिटर्न का, इन दोनों को इश्यू की 43 नंबर पिन और 16 नंबर पिन के ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद अपने को कंफर्म हो जाएगा कि वायर टूटा हुआ है या फिर जंग वगैरह आ रहा है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो अपन वायरिंग को खोल के चेक करेंगे। उसके बाद अपने को इसके में कितना वोल्टेज आता है वो भी पता पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार इसकी वायरिंग खोलते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वायरिंग है हमने खोल ली है, आधी वायरिंग ही खोल ली है। ये एक भूरे कलर का और एक नीले कलर का जो वायर है, दो वायर होते हैं इसमें। देखो पूरी वायरिंग को हमने उधेड़ दिया है आधी वायरिंग खोल के। तो दोस्तों ये बिल्कुल मतलब इशू के कपलर के पास में से वहाँ से टूटा हुआ था। जब हमने इशू का कपलर निकाला एंड में, तो फिर पता चला कि मतलब यहाँ पे टूटा हुआ वायर है। तो इसकी वजह से हमारी कंटिन्यूटी भी नहीं आ रही थी। तो ये नीले कलर का वायर देख रहे हो, ब्लू कलर का, ये टूटा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल अलग हो रखा है। तो इसकी वजह से अपनी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो दोस्तों इसकी वजह से अपना जो फॉल्ट कोड था 0249 वो एक्टिव में आ रहा था। ये वायर कटा हुआ मिला अपने को यहाँ पे। तो दोस्तों एक बार अपन इसको वायरिंग को अच्छी तरह कपलर को बांध देंगे और टेप वगैरह करके आगे चलते हैं।
ये हमने वायर को प्रॉपर तरीके से वायरिंग को पूरी को सेट कर दिया वापस। और जैसा कि आप वोल्टेज देख सकते हो दोस्तों, इसमें 4.98 यानी कि 5 वोल्टेज के समथिंग इसमें वोल्टेज आता है। और एक बार अपन लैपटॉप कनेक्ट करते हैं फिर से और देखते हैं कि इसमें फाल्गुड और कौन कौन से बचे हैं। ये दोस्तों अपन फाल्गुड क्लियर करने के बाद अपने को जो फाल्गुड देखने को मिल रहे हैं वो 1887 फाल्गुड चला गया। उसके अंदर अपने को सेंसर डालना पड़ेगा और जो ये 02049 जो कोड है वो अपना इनएक्टिव हो गया है। जो मतलब वायरिंग की दिक्कत थी इसमें वहाँ से अपन तार वायर को जोड़ दिया है। बाकी जो दोस्तों जो फाल्गुड देख रहे हो आप 44 87 44 89 37 12 37 14 ये अपने को चाबी सर्कल से इनएक्टिव करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि अपन चाबी को 3 राउंड में करेंगे। चलो जिसको पता नहीं है अपन करके चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन चाबी को ऑन है उसको बंद करेंगे, फिर वापस अपन 1-2 सेकंड 3 सेकंड बाद वापस ऑन करेंगे। ये अपने को दोस्तों 3 सर्कल में करना है, चाबी को ऑन ऑफ 3 सर्कल में करना है और फिर अपने को गाड़ी स्टार्ट करनी है। जैसे ही अपन गाड़ी को स्टार्ट करेंगे 1 से 5 सेकंड के अंदर जो स्टॉप लैंप है अपना चला जाएगा और जो वो फाल्गुड थे 37 14 37 12 वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा स्टॉप लैंप है वो चला गया है और अभी अपने पास कोई भी फाल्गुड एक्टिव में नहीं होगा, वो 37 14 कोड थे वो भी हट गए हैं। तो अपने एक बार चाबी को ऑन करके देख लेते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और वीडियो आज का कैसा लगा हमें ज़रूर बताना।